पिछले महीनों में आप लोग देखे होंगे यूएनएससी की चर्चा चल रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत के स्थायी सदस्यता की बात हो रही है। तो यूएनएससी जो है यूएन की कार्यपालिका है, यूएनएससी, यूएनओ या यूएन एक ही बात है, उसकी कार्यपालिका है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और विश्व में आक्रमण के विरुद्ध जो है सामूहिक अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करती है। तब देखेंगे कि जो यूक्रेन संकट चल रहा है तो यूएनएससी में प्रस्ताव पारित किया गया, यूएनओ में प्रस्ताव पारित किया गया, फिर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसने जो है वह पुतिन साहब को अपराधी भी घोषित किया। तो यहां पर जो यूएनएससी है, तो हमारे यहां जो है आप जानते हैं कि जब यूएनओ बनाया गया था, तो यूएनओ जब बनाया गया था तब जानते हैं कि शुरुआती दौर में जो है 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ बना था तो उसमें जो है पांच स्थायी सदस्य थे और छह जो है अस्थायी सदस्य थे। तो पांच जो स्थायी सदस्य हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, जिनको हम लोग परमानेंट मेंबर कहते हैं, हैविंग वीटो पावर, जो लोग वीटो का अधिकार रखते हैं, और जो छह अस्थायी सदस्य प्रारंभ में थे, नॉन परमानेंट मेंबर उसको कहा जाता है, जिनको वीटो का अधिकार नहीं था। और बाद में आपको ध्यान होगा कि 1963 में जो है ये बढ़ाकर पांच स्थायी सदस्य रह गए, पांच स्थायी सदस्य, और ये छह जो है बढ़ाकर इसको 10 जो है अस्थायी सदस्य कर दिया गया। इसका मतलब कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 15 है। आप जानते हैं यूएनएससी में जो है अभी दिसंबर 2022 में, आप जानते हैं कि 2021-22 के लिए भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बना था, तो अस्थायी सदस्य बना था तो अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो भारत दिसंबर 2022 में जो है यूएनएससी की अध्यक्षता किया। और आपको ध्यान होगा कि भारत ने जो है एक कंसेप्ट भारत ने रखा था नॉर्म्स, तो नॉर्म्स के आधार पर जो है यूएन में सुधार की बात भारत ने किया था, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, इसको नाम दिया गया था नॉर्म्स। तो नॉर्म्स के आधार पर सुधार की बात की गई थी। तो आप जानते हैं इसी में भारत ने जो है यूएनएससी में पुनः स्थायी सदस्यता का अपना दावा पेश किया। और जानते हैं कि अभी तक यूएनएससी में जो है सुधार के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आए, लेकिन लेटेस्ट में जो प्रस्ताव चल रहा है उसमें जो है सामान्यतः देखा जाए तो 4 तरह के प्रस्ताव अभी तक चल रहे हैं। एक तो G4 का प्रस्ताव है, G4 का मतलब होता है जापान, जर्मनी, भारत, ब्राजील। ये जो बीपीएससी के लिए मैं वीडियो आप लोगों को बना रहा हूं, तो ध्यान रखिए कि बीपीएससी में जो प्रश्न है अब छोटे छोटे भी आएंगे, पहला प्रश्न जो कंपल्सरी जो छोटा छोटा आएगा तो कहीं से भी पूछ सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब जो है अलग अलग करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और फिर इसी चीज को जो है वो देखा जाए तो छोटे छोटे प्रश्नों में बांट कर पूछेगा। तो मैं बता रहा था कि ये जो इसमें 4 तरह के प्रस्ताव आए हैं, एक तो G4 का प्रस्ताव है, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। तीन लोगों ने कहा कि जो 15 ये सदस्य संख्या है इसको बढ़ाकर 25 कर देना चाहिए, और 25 में जो है 6 स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और 3 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ये इन लोगों का प्रस्ताव है। अब जानते हैं कि दूसरा प्रस्ताव जो है वह इटली के नेतृत्व में प्रस्ताव लाया गया है, उसको बोलते हैं यूनाइटिंग ऑफ कंसेंस कोलूशन। तो ये जो इटली के नेतृत्व में प्रस्ताव आया है उसमें कहा गया G4 है, उस G4 का विरोध किया गया और कहा गया कि केवल 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दीजिए, स्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जानते हैं अफ्रीकी ब्लॉक द्वारा एक आया है एजुकिनी कॉन्सेंस उसको कहा जाता है, उसने कहा कि भाई 2 सीट अफ्रीका को मिलना चाहिए, अब बाकी अन्य लोगों को भी सस्ता दिया जाए, वीटो का भी अधिकार दिया जाए। अब फिर आप जानते हैं कि एक प्रस्ताव जो है और रखा गया है L69 का प्रस्ताव। तो L69 का जो प्रस्ताव है इन लोगों ने कहा है कि स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार किया जाना चाहिए और नए सदस्यों को जो है P5 के समान वीटो का अधिकार देना चाहिए। जो 5 स्थायी सदस्य हैं इन 5 स्थायी सदस्यों को जो है हम लोग P5 कहते हैं। तो P5 को जिस तरह से शक्ति मिली है उसी तरह से शक्ति जो है वह जो स्थायी सदस्य बने उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये सब तो मैं बताया आपको कि ये सब चीजें जो है एक सामान्य पहलू है। देखिए यूएनएससी का कार्य और शक्तियां जरा सा समझिए, यह निरंतर कार्य करने वाली संस्था। मैं बताया कि जैसे हम लोगों के यहां सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी तरह से जो है यूएन को सरकार मान लीजिए तो यूएनएससी जो है उसकी कार्यपालिका है।
तो यह निरंतर कार्य करने वाली संस्था है। सामान्यतः 14 दिन के भीतर एक बार बैठक अवश्य होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के भीतर भी बैठक हो सकती है, जैसे यूक्रेन संकट में बहुत बार बैठक हुआ है। दूसरा कार्य है कि प्रक्रियागत कार्यों को संपन्न करता है, जैसे सदस्यों को आमंत्रित करना, बैठक कैसे होगा, कहां पर होगा। और तीसरा इसका कार्य है शांति और सुरक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन करना, इसमें जो है विचार विमर्श करना, पंच निर्णय करना, प्रतिबंध लगाना, सैनिक कार्रवाई करना, इस पर जो है निर्णय किया जाता है। और अन्य नियुक्ति संबंधी कार्य भी करता है, जैसे महासचिव के निर्वाचन संबंधी कार्य है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। या मान लीजिए किसी को यूएन से जो है वह संस्था से बाहर निकालना है, किसी को यूएन को प्रवेश देना है, किसी को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा देना है, तो ये सब काम जो है यूएनएससी का भी उसमें भूमिका है। महासभा विधायिका के रूप में हो गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायालय के रूप में हो गया। फिर अगले वीडियो में कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपना ध्यान जो है इसी पर हम लोग केंद्रित करते हैं। यूएनएससी में लोकतांत्रिक सुधार की आवश्यकता, तो देखिए लोकतांत्रिक सुधार का मतलब क्या होता है। अभी जैसे मैं बताया कि शुरुआती दौर में 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य रखे गए, फिर 1963 में जो है इसको बढ़ाकर 5 स्थायी, 5 का 5 ही रह गया, और फिर 6 अस्थायी सदस्य थे, इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो अब 21वीं सदी में जो है 193 देश हो गए हैं, तो इसकी संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। तो इसी परिवर्तन करने की बात को लोकतांत्रिक सुधार कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक सुधार जो है ये क्यों, मतलब कि लोकतांत्रिक सुधार की आवश्यकता क्यों है। पहला चीज तो यह है कि विश्व में जो है सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां हैं पूरी बदल गई हैं। अब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो परिस्थिति थी उसी के आधार पर इनका चयन किया गया था। आज परिस्थिति बदल गई है, इसलिए हम लोगों को जो है इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और फिर दूसरा पहलू यह है कि शक्ति संरचना में भी परिवर्तन आ गया है। भाई उस समय की शक्ति संरचना और आज की शक्ति संरचना में परिवर्तन है। आज आप देखते हैं कि भारत है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है, ये भी देश सशक्त हो गए हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से हम लोग जो है आगे भी निकल गए। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अब मान लीजिए भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। भारत ये भी तर्क देता है कि परिस्थिति बदल गई। और सबसे बड़ी बात है कि आज की समस्या भी दूसरे तरह की है। राज्य केंद्रीय सुरक्षा की समस्या जो है मानव केंद्रीय सुरक्षा की समस्या में तब्दील हो गया है। पर्यावरण की समस्या, साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन, तमाम समस्याएं आ गई हैं, जिसका समाधान जो है पूरा विश्व मिलजुल कर ही कर सकता है। और ये तभी हो सकता है जब यूएनएससी जो है लोकतांत्रिक संस्था के रूप में हो। इसलिए हम लोग जो है इसमें लोकतांत्रिक सुधार की बात करते हैं। वर्तमान जो संरचना है उसमें आप देखते हैं कि 4 जो सदस्य हैं विकसित देशों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो चीन है तो आप देखते हैं कि चीन भी लगभग विकसित देश की श्रेणी में ही आ रहा है। इस तरह से देखा जाए तो विकासशील देशों का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है कोई है ही नहीं है। तो ऐसी दशा में जो है देखा जाए तो यूएन जो है वो पूरे विश्व की संस्था है, केवल विकसित देशों की संस्था नहीं है। इसलिए विकासशील देशों को भी स्थायी प्रतिनिधि बनाना चाहिए। भौगोलिक और निर्जातीय आधार पर भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि 4 जो सदस्य हैं वे श्वेत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो एशिया से केवल चीन है, एशिया सबसे बड़ा है तो केवल चीन है। आप देख रहे हैं कि अफ्रीका का कोई प्रतिनिधि नहीं है, लैटिन अमेरिका का कोई प्रतिनिधि नहीं है, स्थायी प्रतिनिधि कोई नहीं है। अब भौगोलिक आधार पर भी समस्या है, भाई यूरोप सबसे छोटा है तो यूरोप से 3 हो गए। अब फिर आप देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका से जो है एक अमेरिका हो गया, और एशिया सबसे बड़ा है तो कोई है ही नहीं है। इसलिए इसमें लोकतांत्रिक सुधार करने की आवश्यकता है। और वर्तमान परिस्थितियां, यूएन का गठन जो है अंतर्राष्ट्रीयतावाद के धरातल पर किया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि व्यवहार में कुछ देश ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूस, अमेरिका, देख रहे हैं यूक्रेन संकट में। तो यूक्रेन संकट में जो अविश्वास का वातावरण बना है, यूएन को जो अविश्वास परक संस्था हम लोग मान रहे हैं, तो ये भी भारत कहता है या अन्य देश कहते हैं कि विश्वास परक संस्था बनाने के लिए जो है इसमें लोकतांत्रिक सुधार की आवश्यकता है। अब मुद्दा है कि भारत का स्थायी संस्था के लिए क्यों दावा जो भारत प्रस्तुत करता है वो कितना औचित्यपूर्ण है। आजादी के बाद भारत जो है पंचशील सिद्धांत, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन, अहिंसा, इन सब चीजों को बढ़ावा देता रहा। अब फिर आप देखते हैं कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। 1990 के बाद भारत ने जो है पहली बार नरसिंहा राव साहब ने जो है औपचारिक अपना दावा प्रस्तुत किया स्थायी संस्था के लिए, और वर्तमान सरकार भी इसका समर्थन करती है। अब फिर आप देखे होंगे कि अभी 2022 में, दिसंबर 2022 में यूएनएससी की जो बैठक हुआ उसमें भारत ने जो नॉर्म्स की अवधारणा रखा उसमें भी भारत ने यही बात कहा कि अन्य देशों को भी स्थायी संस्था मिलना चाहिए। तो भारत ने कहा कि भारत विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र, अब तो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा हो गया,
और फिर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है। भारत को स्थायी संस्था मिलेगा तो इससे विश्व में लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसका विस्तार होगा। भारत बहुसंस्कृतिवाद रखता है, विभिन्न धर्म जाति क्षेत्र के लोग रहते हैं। यदि भारत को जो है संस्था मिलेगा तो विश्व में जो है विविधता में एकता का समायोजन हो सकता है। और भारत तीसरा तर्क यह देता है कि भारत यूएन की स्थापना से ही प्राथमिक सदस्य के रूप में रहा, विश्व में जो सैन्य कार्रवाई हुआ है 70 सैन्य कार्रवाई में भारत ने भाग लिया, 2,00,000 जो है सैनिकों की भागीदारी भी भारत की रही है। अभी भी दक्षिणी लेबनान हुआ, कांगो हुआ, तमाम देशों में भारत अभी भी जो भारत की जो शांति सेना है वो अभी भी कार्य कर रही है। भारत विश्व के सभी देशों से संबंध बनाने का प्रयास करता है। अभी देखिए 2023 में जो है G20 की बैठक भी हो रही है। भारत देखा जाए तो सार्क बनाने में योगदान दिया, ब्रिक का सदस्य है, तो तमाम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भारत सदस्य है। और फिर मैं अभी बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब देख रहे हैं ब्रिटेन से हम लोग आगे निकल गए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो भारत इन सब तर्कों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करता है, लेकिन समस्या है। समस्या तो यह है, पहली समस्या चीन की समस्या है कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है और चीन जो है स्थायी संस्था को यदि स्वीकार नहीं करा तो समझिए वीटो का प्रयोग कर दिया तो हम लोग को स्थायी संस्था नहीं मिलेगा। फिर अन्य देश कहते हैं कि भारत जो है एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से कश्मीर जो मुद्दा है भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, और इस तरह से स्थायी संस्था मिलेगा तो भारत जो है वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। और कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि जापान जर्मनी इस तरह के जो देश है यूएन में बड़ी संख्या में जो है अनुदान देते हैं, बड़ी मात्रा में धन का अनुदान करते हैं, जबकि भारत का योगदान काफी कम है। और सदस्यता प्राप्त करने के लिए महासभा से भी प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा 2/3 बहुमत से, और साथ ही जो है यूएनएससी में कोई भी वीटो का प्रयोग न करे, P5 के देशों में से कोई वीटो का प्रयोग न करे, और 4 अन्य सदस्य भी इसका समर्थन करें। तो आप देखते हैं कि भारत में काफी क्लब, आप लोग सुनते हैं विश्व में काफी क्लब है। काफी क्लब का मतलब कि आप देखते हैं कि जो विरोध करने वाले हैं, जैसे पाकिस्तान भारत का विरोध करता है, दक्षिण कोरिया जापान का विरोध करता है, या इसी प्रकार से इटली जो है जर्मनी का विरोध करता है, अर्जेंटीना ब्राजील का विरोध करता है, नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका का विरोध करता है, जो विरोध करने वाले देश है उनको काफी क्लब कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि भारत का बहुत सारे देश भी विरोध करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भले समस्या है लेकिन आप देखते हैं कि चीन को छोड़कर बाकी देशों ने भारत की स्थायी संस्था का समर्थन किया है। ब्रिटेन भी समर्थन किया, पुतिन साहब भी समर्थन किए, फ्रांस भी समर्थन करता है। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक चीन ही बाधा है। और दूसरी तरफ यह है कि यदि मान लीजिए सपोज करिए कि भविष्य में यदि यूएनएससी का विस्तार होगा तो भारत को स्थायी संस्था अवश्य मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना निरंतर जो है विस्तार करता रहा है। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को लिखा जाता है। फिर हम लोग जो है किसी अन्य मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।